अमित मौजूद हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको जो वादे किए गए हैं, जो आश्वासन दिया गया है, उसे अमली जामा पहना दिया जाएगा और उसे कानून का उसे प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा कैबिनेट की बैठक में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अमित, आपके सामने कई सहायक पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि इन्हें काफी उम्मीद थी कि इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इन्हें काफी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस बार का जो कैबिनेट बैठक होगी इसमें जो हमारा भी कुछ ना कुछ इसमें होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद ये लोग काफी नाराज है, निराश है। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, कैबिनेट की बैठक हुई, 30 एजेंडों पे मुहर लगी, लेकिन इस बार भी सहायक पुलिस कहीं ना कहीं उसमें कहीं दिख नहीं रहा। देखिये, विगत 2020 और 2021 से इसी तरह के परिस्थिति बनी थी, सहमति बनी थी और उम्मीद जगी थी, तो 2020-21 से 2024 तक बहुत से कैबिनेट आए, बहुत से गए, लेकिन हर समय हम लोग के निराशा हाथ लगी। उस निराशा के कड़ी में एक और निराशा जुड़ा, यही निराशा है कि सहायक पुलिस कर्मियों के सरकार की बातों पर थोड़ा विश्वास नहीं हो पा रही है, क्योंकि दो बार जिस तरह से सरकार बोल बोल कर हमारी यही कैबिनेट के माध्यम से किसी तरह का कोई लाभ पहुंचाना नहीं पाई है, तो सहायक पुलिस कर्मियों को यही कहना है कि अब बार बार चार वर्षों में नहीं कर पाए तो अब आप पर बिलीव होना मुश्किल है, इसलिए जो सहमति बनती है उस पर एक बार पुनर्विचार की जाए और उसको कैबिनेट से मुहर लगाई जाए और जिला आदेश हो जाएगी, उसके बाद हम लोग संतुष्ट हो जाएगी। सरकार हमारे पीछे संजीदा थी और काम की, उसके बाद सरकार को आभार व्यक्त करेंगे, फूलमाला मिठाई जो भी होगा हम लोग अपना स्तर से सम्मानित करेंगे और कर्तव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। लगातार आप लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और लेकिन अब जो आज कैबिनेट की बैठक थी उसमें था कि कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मियों को कुछ के जो वादे हैं उसका भी वो आएगा, बारी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या लगता है, आगे क्या हो सकता है? देखिए, पिछले दिनों दो दिन तीन दिन पहले सरकार के स्तर से वार्ता हुई है, अच्छा वार्ता हुई, फिर उम्मीद करते हैं कि बातचीत के माध्यम से कम समय में इसका निराकरण कर लोग पहुंच जाएंगे, उम्मीद। जी, तो साफ तौर पर कि इनको काफी उम्मीद थी इस कैबिनेट बैठक से, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है उसको अनदेखा किया गया, इसको लेकर ये लोग काफी नाराज हैं। जी अब बिल्कुल अमित, अब इनकी रणनीति आगे क्या होगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब तक आश्वासन नहीं मिल जाता या कैबिनेट से इन्हें वो कानूनी रूप से इनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये वापस नहीं लौटेंगे। जी, अब बैठक हुई, आप लोगों के प्रस्ताव में नाम नहीं आया, तो अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? हम उम्मीद अभी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग के एक बार फिर चर्चा हो, वार्ता हो और उस पर जो जो बिंदु है उस पर पुनर्विचार करते हुए आगे विधानसभा सत्र हैं या फिर कैबिनेट होंगे तो उस तक हमका निराकरण तक हम लोग पहुंचेंगे, एक उम्मीद है, और तब तक हम लोग आंदोलन को विभिन्न शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाते रहे। राजेश कच्छप ने कहा है, जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार उन लोगों से मिलते रहें, क्योंकि हमें और लोगों के पास भी जाना होता है और लोग का भी काम करना पड़ता है, हम लोग बार बार वहां पे नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं उन लोग वो लोग जो है सहायक पुलिस के जो कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति कर रहे हैं ये तो हम लोग 100% इनकार करते हैं, क्योंकि राजनीति अगर करते तो 2020 और 2021 में उनकी बात मानकर हम नहीं जाते, उस समय से हम लोग राजनीति करते हैं। हम माननीय हैं, अभिभावक हैं, अगर हमारे लिए कुछ बोल भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं तो गार्जियन के बात को हम लोग दुख नहीं मानेंगे, और जो समय अभाव है हम मान सकते हैं कि समय अभाव है, लेकिन एक थोड़ा बहुत इसमें अगर जनहित में माननीय हैं, जनहित के लिए हैं तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत समय निकाला जाए और चर्चा की जाए, और राजनीतिक आरोप है या झूठ है ये नहीं लगाना चाहिए उनको। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि एक बार पुनर्विचार हम लोग मिलकर कर सकते हैं, अगर साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसका निदान निकलेगा, लेकिन अब साफ तौर पर राजेश कच्छप से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार सहायक पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि और भी लोग हैं, पारा टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हमें जाके उनका काम करना पड़ता है। जी
हाँ बिल्कुल अमित, यानी देखिए इनकी तरफ से स्पष्ट है कि इन्हें अभी तक प्रस्ताव जो दिया गया है कि 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और लगभग 30% की बढ़ोतरी की जाएगी, और लगता है कि इससे ये संतुष्ट हैं या नहीं, क्या इसे ये कानूनी रूप चाहते हैं ये जो आश्वासन दिया गया है, या इससे और ज्यादा बढ़ोतरी चाहते हैं? विवेक जी, आप लोगों जो दिन बैठक हुई, बैठक में प्रस्ताव जो आप लोगों ने दिया उसको मंजूरी मिली, कुछ चीजों पे आप लोग भारी मन से भी उससे स्वीकार किए, जैसे कि वेतन वृद्धि की बात हो या फिर 1 साल कार्य को बढ़ाने की बात हो, तो आप लोग नाराज किस चीज से हैं? ये वेतन वृद्धि नहीं हुई आपके हिसाब से उसको लेकर के, या फिर कैबिनेट में पास नहीं हुई इसको लेकर के? नाराजगी या नाराजगी के दो बिंदु हैं। पहला कि 2020 और 21 में इसी तरह की सहमति बनी थी और तमाम खुशी हुई, मिठाइयाँ बंटी, मिठाई हम भी खाएं खिलाएं, पूरा सभी लोग खुशी हुए, लेकिन 4 साढ़े 4 साल भी जाने के उसका मतलब कुछ रहा नहीं। तो इस बात की डर है, नाराजगी है कि फिर यह सहमति विफल ना हो जाए अगर यहाँ से हम लोग चले जाते हैं तो। और सेकेंड है कि बात हम लोग जो रखें उस पर औसतन कम ध्यान दिएगा, उधर से जो प्री प्लानिंग कहेंगे चाहे सरकार के जो इच्छा थी उसको हमको बोला गया कि इस सरकार यहाँ तक रेडी है, इस पर आपको सहमति देनी है। उस वहां पर हमें हम लोग भी सरकार के बात को सुनते समझते जितना किए किए, हम लोग ये बात को भी बोले कि आज के समय में जीवन यापन एक वर्दी का नौकरी में मानदेय पर पुनर्विचार करे और कुछ बिंदु है उस पर करते हुए कैबिनेट से ला देगी सरकार। यानी कि आपके वेतन वृद्धि को लेकर के नाराजगी चल रही है? हम प्रतिनिधियों के मन में वहां था, हम लोग बार भारी मन से किए, रो भी रहे थे, लेकिन ऐसा परिस्थिति हुआ कि न चाहते हुए कुछ करना पड़ा, कुछ बोलना पड़ा। उसके बाद जिस समाज और जिस परिवार के लिए हम वह प्रतिनिधि बन के गए, उस समाज में एक घोर निराशा रहा कि इसी तरीके से 2020 और 21 में बोला गया था और जो काम नहीं हुआ, तो अबर बार इतना गहरा विश्वास आ गया है, उन लोग इस विश्वास को बहुत कैबिनेट या कुछ काम करने के माध्यम से संतुष्टि हो गया, अन्यथा सहमति या आश्वासन से उनको दिल और दिमाग में संतुष्टि हो नहीं रहा। और वो भी चाह रहे हैं कि आज के युग में जिस तरह से ड्यूटी है और भरण पोषण का स्थिति है, उसमें मानदेय पर एक बार विचार करते हुए आगे सरकार बढ़े और कैबिनेट तक पहुंचे और हम लोग के मानसिक रूप से तनाव को दूर करे। तो आपने सुना कि बैठक में जिस दिन बैठक हुई थी और 6 विधायक साथ में बैठे थे और इनके साथ भी 12 जो जिला है, 12 जिले के जो शीर्ष हैं वो साथ में बैठे थे, वहां पे फैसला भी हुआ, सब कुछ इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने भारी मन से स्वीकार किया वेतन वृद्धि को लेकर के, हम लोग थोड़ा सा असंतुष्ट भी थे लेकिन ये मन में था कि कम से कम कैबिनेट से पास हो जाएगा फिर आगे की बात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सारे जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनका ये भी कहना है कि वेतन वृद्धि भी एक कहीं ना कहीं से वजह है नाराजगी की, और अब तो एक वजह और उसमें ऐड हो गया है, जुड़ गया है कि अब कैबिनेट में ये चीज पास नहीं हो पाया। जी चलिए अमित, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनके मसले पर क्या निर्णय लेती है और इन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सहायक पुलिस कर्मियों की समस्या अगर देखी जाए तो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें जो लगभग 30% वृद्धि और 1 साल कार्यकाल बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव दिया गया है उसे लेकर कानून पास कर दिया जाए या उसे कैबिनेट में लाकर उसे नियमित कर दिया जाए, लेकिन इस बात को लेकर काफी निराश हैं सहायक पुलिसकर्मी। उन्हें उम्मीद थी कि कैबिनेट में उन्हें एक्सटेंशन 1 साल का मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या फैसला लेती है।